हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं खजुराहो घूमने के लिए। हेलो दोस्तों, और अभी हमने लिया है छोटा सा ब्रेक और यहाँ पे अभी हम रुके हैं। अभी लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है हमारा, फिर हम पहुँचेंगे हमारे होटल। हेलो दोस्तों, हेलो। हम रास्ते के आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, फिर हम जाके रेस्ट करेंगे और घूमेंगे उसके बाद, और फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह हमने घूमी है। और ये हमारी मिनी ट्रिप है। और ये है मतंगेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर। खजुराहो पहुंचकर सबसे पहले हम यहीं गए और मंदिर में सबसे पहले दर्शन होंगे आपको भगवान श्री गणेश जी के। और ये मंदिर 9वीं सदी में बना था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी, जिसे उन्होंने पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दिया था, और युधिष्ठिर ने वह मणि मतंग ऋषि को दी थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। और सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने यह मणि जमीन के नीचे छुपा दी थी, शिवलिंग के नीचे। कहते हैं कि आज भी वह मणि है। और ये शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है और कहा जाता है कि ज़मीन के नीचे इसकी गहराई भी 9 फीट ही है। एवरीवन, तो हम आए थे यहाँ खजुराहो, और यहाँ पे अभी वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स क्लोज हो गए हैं, और क्योंकि शाम का समय हो गया है तो अभी उन्होंने बताया हमें कि सुबह खुलेंगे 6:30 बजे, तो कल हम सुबह जाएंगे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। और अभी शिव मंदिर खुला था, मतंगेश्वर मंदिर, तो हम अभी वहाँ आए हैं दर्शन के लिए। महाराजा कैफे में कुछ खाने के लिए। और अभी हम अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और प्यास लग गई है। और हमारी शक्ल थोड़ी थकी थकी सी लग रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम इतने आज की ड्राइव के बाद थक चुके हैं। मिलते हैं कल थोड़ा फ्रेशनेस के साथ। बाय बाय। और ये हमारा खाना आ गया है, वेज चाउमीन और मंचूरियन। और ये हम लाइट एंड साउंड शो में जा रहे हैं। पार्क में पूरा अंधेरा है, वहाँ पे पहुँच कर पता चलेगा रात का टाइम है। रात के टाइम पे ही तो लाइट्स एंड साउंड शो होगा। चलिए फिर देखते हैं।
और ये है हमारा प्यारा सा होटल। और अब हम वापस आ गए हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स का लाइट और साउंड शो देख के, और कल हम जाएंगे वहाँ टेंपल्स देखने के लिए। और बताओ आपको कैसा लगा लाइट एंड साउंड शो? हमने काफ़ी लाइट एंड साउंड शोज देखे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस है। इसमें शो से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग ज़्यादा है, आपको यहाँ के इतिहास के बारे में स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताया जाता है। टेंपल्स पे अलग अलग लाइट्स पड़ती है तो टेंपल्स बहुत ही अलग और खूबसूरत दिखते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे आपको लग सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग है अगर आपको इतिहास या टेंपल्स के बारे में, हिस्ट्री में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो, बट वैसे अगर इंटरेस्ट है तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नॉलेज वाला है। और यहाँ पे आए हैं तो फिर शो देख ही लीजिए क्या है। बिल्कुल, और यहाँ पे पर पर्सन टिकट है 250 रुपीज। और इंग्लिश शो का टाइम है 6:30 बजे और हिंदी शो का टाइम है 7:30 बजे। Hope you enjoy this video, like, share and subscribe. Bye-bye.